नमस्कार छात्रों, हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पहले पार्ट में हमने देखा था नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका ये लेख है, उनका परिचय और कुछ पाठ के बारे में हमने जानकारी देखी थी पहले पार्ट में कि कैसे नाखून पशुता और बुराई का प्रतीक है। इनका कहना है कि जिस तरह नाखून बढ़ने पर हम उसे काट देते हैं, ठीक उसी तरह यदि किसी में बुरी आदतें आ जाए तो उन्हें त्याग देना चाहिए। इसके बारे में हमने जानकारी देखी थी पहले पार्ट में कि उनकी लड़की, उनकी जो बेटी थी, वो उनसे सवाल करती है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इसके ऊपर बहुत ही अच्छे तरह से इन्होंने जवाब दे दिया है कि कल के पार्ट में हमने देखा था पहले पार्ट में कि ये पहले के लोगों के पास क्या नहीं था, शस्त्र नहीं थे, अस्त्र नहीं थे, तो वो अपने नाखून से ही क्या करते थे, अपना संरक्षण करते थे। उसका अब दूसरा पार्ट हम देखेंगे, यहाँ तक हमने देखा था, आज इसका दूसरा पार्ट। मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है? उसमें संयम है, दूसरे के सुख दुख के प्रति समवेदना है, श्रद्धा है, तप है, त्याग है, इसीलिए मनुष्य झगड़े झंटे को अपना आदर्श नहीं मानता। गुस्से में आकर चढ़ दौड़ने वाली अविवेकी को बुरा समझता है, वचन मन एवं शरीर से किए गए असत्याचरण को गलत मानता है। देखो, मनुष्य बहुत ही होशियार प्राणी है, वो कैसा है, उसके अंदर श्रद्धा है, तप है, त्याग है, वो झगड़े तंटे को अपना आदर्श नहीं मानता, लेकिन गुस्से में जब आता है तब क्या करता है, अपनी बुद्धि खो देता है और वचन मन एवं शरीर से किए असत्याचरण को गलत मानता है। ऐसा कोई दिन आ सकता है जब मनुष्य के नाखूनों को बढ़ना बंद हो जाएगा? नहीं। जैसे हमारे अंदर की जो कुछ भी अच्छी बातें हैं वो हम बताते हैं, तो ठीक उसी तरह बुरी आदतें भी हमें क्या करनी चाहिए, बंद करनी चाहिए। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई है। पहले के जमाने में देखो पूंछ थी, बाद में उसमें रिवॉल्यूशन होके फिर जो अनावश्यक है वो चीजें घट गई। उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी, शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। नाखून का बढ़ना मनुष्य के भीतर की पशुता की निशानी है और उसे नहीं बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा है, अपना आदर्श है। देखो क्या सही है और क्या गलत है, इसका फैसला सिर्फ मनुष्य ही कर सकता है। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभाव का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। बच्चे यह जाने तो अच्छा हो कि अभ्यास और तप से प्राप्त वस्तुएं मनुष्य की महिमा को सूचित करती है। मनुष्य की चरितार्थता प्रेम में है, मैत्री में है, त्याग में है, अपने को सबके मंगल के लिए निशेष भाव से दे देने में है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस अंध सहजात वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आना चाहती है। उसको काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उसे चरितार्थता की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। ठीक उसी तरह हमें बताया है इस लेसन में कि जैसे हम हमारी बुरी आदतें छोड़ देंगे वैसे ही हमारी प्रगति क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर हमने हमारे नाखून बढ़ते ही दिए, यानी कि हमारे दुर्गुण अगर बढ़ते ही गए, तो हम क्या कहलाएंगे, पशु कहलाएंगे। तो हमें पशु ना होते हुए एक मनुष्य की तरह अपना जीवन बिताना है। आप सभी को ये पाठ समझ में आया होगा, इसका जो स्वाध्याय है आप अपनी व्यवसाय माला में कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद।